जय हिंद वंदे मातरम भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में। जी हां, आपको बता दें यहां पर आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहद खास खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके आपको हम सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि चाइना और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको इस वीडियो में कभी भी और कहीं भी बता सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, भारतीय सैटेलाइट को बना रहा है निशाना। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, पीएम मोदी और शाहीन बाग की दादी भी शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला को दी मंजूरी। यूपी में प्राइवेट मंडियां एमएसपी के नीचे नहीं कर सकेंगी खरीद, सीएम योगी ने दिया भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी, दशहरा और दिवाली से पहले रेलवे शुरू कर सकता है 80 नई स्पेशल ट्रेनें। कृषि बिल पर विरोध के बीच मोदी सरकार ने 11 करोड़ किसानों के मोबाइल फोन पर भेजा ये संदेश। अयोध्या से जल्द शुरू होगी देश दुनिया की फ्लाइट्स, केंद्र सरकार ने तेज की तैयारी। राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ किए रिश्ते खराब। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी की बैठक पर अखिलेश ने कसा तंज, जानिए क्या है पूरा मामला। यूएन मंच पर भारत का पाकिस्तान पर निशाना, कहा इस देश को दुनिया भर में माना जाता है आतंकवाद का केंद्र। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लें, ताकि सरकार की कोई भी योजना और देश से जुड़ी कोई भी खास खबर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, भारतीय सैटेलाइट को बना रहा निशाना। जी हां, आपको बता दें ऐसे वक्त में जब बॉर्डर पर रोज चीन की नई चालबाजियां सामने आ रही हैं, अमेरिकी रिपोर्ट के दावे से इस बात का साफ अंदाजा हो गया है कि चीन सामने भले ही शांति और समझौते की बात करे, लेकिन पीछे से उसकी साजिशें लगातार जारी हैं। अमेरिका से एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं, उसके सैटेलाइट्स को भी निशाना बना रहा है। अमेरिका रिपोर्ट्स की माने तो 2007 से लेकर अब तक चीन ने भारतीय सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन पर कई बार साइबर अटैक किया है। भारत ने अंतरिक्ष में किसी दुश्मन से निपटने के लिए जरूरी एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक पिछले साल हासिल कर ली थी। अब दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता भारत के पास है। हालांकि चीन की एयरोस्पेस रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास बहुत सारी काउंटर स्पेस तकनीकें हैं, जो दुश्मन के अंतरिक्ष उपकरणों को जमीन से लेकर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक निशाना बना सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो टाइम मैगजीन ने जारी किया दुनिया के सबसे प्रभावी लोगों की लिस्ट, पीएम मोदी और शाहीन बाग की दादी भी शामिल। जी हां, आपको बता दें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने साल 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जगह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा पीएम मोदी उन दो दर्जन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की ओर से हर साल यह लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए दुनिया को प्रभावित करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। पीएम मोदी इस लिस्ट में इकलौते भारतीय नेता हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को भी जगह दी गई है। शाहीन बाग में प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में आई 82 साल की बिल्किस, जिन्हें लोग दादी भी बुलाते हैं, उनको भी 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला को दी मंजूरी। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आगामी 17 से 25 अक्टूबर तक होने वाले फिल्मी सितारों की रामलीला को मंजूरी दे दी है। 9 दिन तक चलने वाली इस रामलीला में कोरोना को देखते हुए दर्शक तो नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से इसका सजीव प्रसारण किया जाएगा। रामलीला की आयोजक संस्था दिल्ली की है, जो बहुत पहले से अयोध्या में रामलीला कराने के लिए प्रयासरत है। रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी, अब इस रामलीला में उनके बेटे बिंदु हनुमान की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो यूपी में प्राइवेट मंडियां एमएसपी के नीचे नहीं करेंगी खरीदारी, सीएम योगी ने दिया भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन। जी हां, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि
मंडल ने बुधवार को किसानों की समस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रतिनिधि की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने की। बैठक में प्रतिनिधि मंडल की सीएम योगी से कृषि विधेयक और किसानों की समस्या को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान किसान प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं को सीएम के सामने रखा और तत्काल समाधान की मांग की। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने बताया कि सीएम योगी ने भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन दिया है कि यूपी में एमएसपी के नीचे प्राइवेट मंडियां खरीद नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि बिजली पानी से जुड़ी किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी, दशहरा और दिवाली से पहले रेलवे शुरू कर सकता है 80 नई स्पेशल ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए जल्द ही 80 और स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे अक्टूबर नवंबर में त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या और बढ़ा सकता है। अगले महीने रेल मंत्रालय ऐसे रूट पर मांग के हिसाब से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए रेलवे ने ज्यादातर ट्रेनों को बंद कर रखा था। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कृषि बिल पर विरोध के बीच मोदी सरकार ने 11 करोड़ किसानों के मोबाइल फोन पर भेजा ये संदेश। जी हां, आपको बता दें नए कृषि कानून पर हो रहे हंगामे के बीच मोदी सरकार ने देश के करीब 11 करोड़ किसानों को एक खास संदेश भेजा है। यह संदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा हुआ है। इस संदेश में रबी सीजन 2020-2021 के लिए घोषित एमएसपी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। बताया गया है कि पहले किस उपज का कितना दाम था और अब कितना हो गया है। कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर मैसेज भेजने से शायद आम किसान थोड़ा नरम पड़ेगा और विपक्ष की कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी की इमेज एंटी फार्मर नहीं बनने देगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो अयोध्या से जल्द शुरू होगी देश दुनिया की फ्लाइट्स। केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या से देश दुनिया के लिए हवाई उड़ाने सेवा शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में दिए जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अयोध्या से दो चरणों में हवाई उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस एयरपोर्ट का निर्माण, विकास और संचालन करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते किए खराब। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों से जुड़ी एक खबर को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विभिन्न देशों के साथ रिश्तों के उस ताने बाने को खराब कर दिया है जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों में बनाया था। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस ने कई दशकों में रिश्तों का जो ताना बाना बनाया था उसे मोदी जी ने नष्ट कर दिया है। पड़ोस में किसी मित्र के बिना रहना एकदम खतरनाक है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी की बैठक पर अखिलेश ने कसा तंज। जी हां, आपको बता दें समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण के सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को फिल्मी हस्तियों की डिजिटल बैठक पर तंज करते हुए कहा कि यह फ्लॉप पिक्चर अब उतरने वाली है। अखिलेश ने फिल्म सिटी को अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताते हुए एक ट्वीट में कहा कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब न तो उसके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और न ही कोई डायलॉग। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर इसी ट्वीट में कहा कि उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो यूएन मंच पर भारत का पाकिस्तान पर निशाना, कहा इस देश को दुनिया में माना जाता है आतंकवाद का केंद्र। जी आपको बता दें भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई अधूरा एजेंडा है तो वह है आतंकवाद से और ऐसे देश से निपटना जिसे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का केंद्र माना जाता है, जो आतंकवादियों को आश्रय तथा प्रशिक्षण देता है और उन्हें शहीद बताकर उनकी सराहना भी करता है। प्रतिक्रिया देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने सोमवार को कहा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे दुनिया भर में आतंकवाद का केंद्र माना जाता है, जो आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है और उन्हें शहीदों का दर्जा देता है, साथ ही धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यकों को लगातार सता रहा है।